लाहौर 1947 फिल्म में दिखाया जाएगा कि लाहौर में एक हिंदू परिवार दंगों में मारा जाता है। ये परिवार जिस हवेली में रहता है उस हवेली में सिर्फ एक बूढ़ी औरत जीवित बचती है। बंटवारे के वक्त लखनऊ से एक परिवार लाहौर चला जाता है जिसकी तहकीकात करने आमिर खान पाकिस्तान जाने वाले हैं। इस हवेली में रह रही बूढ़ी औरत है जो कि एक हिंदू है। लखनऊ से गया मुस्लिम परिवार इस औरत से ये हवेली छीनने की कोशिश करता है। आपसी लड़ाई में बूढ़ी औरत मारी जाती है जिसका एक मौलवी की राय पर हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसे में इस मौलवी को भी मरवा दिया जाता है। 5 minutes later. आमिर खान लंबे समय से फिल्मों से गायब हैं। ऐसे में पब्लिक उनके कमबैक का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसलिए साल 2024 और 2025 में आमिर खान की बेहतरीन वापसी होने वाली है। इनकी लास्ट फिल्में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा थी जो बुरी तरह फ्लॉप रही थी। उसके बाद आमिर खान ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया, लेकिन अब इनकी बेहतरीन वापसी होने वाली है। आने वाले वक्त में आमिर खान 10 फिल्में लेकर आने वाले हैं जिनका पब्लिक को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि भले ही आमिर खान वक्त लेकर फिल्में बनाते हैं लेकिन अच्छी फिल्में बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी फिल्मों के बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर 10 पर है NTR 31। जी हाँ, आमिर खान इस फिल्म में विलन के रोल में नजर आने वाले हैं। KGF और सालार जैसी फिल्में बनाने वाले प्रशांत नील ही इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। जूनियर NTR की इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा नजर आने वाली है, वहीं आमिर खान विलन बनेंगे। इस फिल्म का टाइटल अभी तय होना बाकी है। इसी साल मार्च के महीने में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है। इसके अलावा जूनियर NTR की देवरा फिल्म का पहला पार्ट भी 10 अक्टूबर को इसी साल रिलीज होने वाला है। उसके बाद NTR 31 फिल्म रिलीज होगी। देवरा फिल्म में सैफ अली खान खलनायक की भूमिका में है और वहीं जाह्नवी कपूर लीड एक्ट्रेस रहने वाली है। NTR 31 फिल्म को अप्रैल 2025 में रिलीज किया जाएगा। NTR 31 फिल्म का सीधा कनेक्शन सालार फिल्म से रहने वाला है। फिल्म की कहानी सबसे खतरनाक माफिया के ऊपर होगी जिसमें फ्लैशदार एक्शन सीन भी देखने को मिलेंगे। सालार फिल्म के मैन विलन राज मनार के बेटे का रोल जूनियर NTR निभाने वाले हैं। वहीं आमिर खान NTR 31 में मैन विलन रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म का नाम न्यूक्लियर रहने वाला है। नंबर 9 पर है गजनी 2। जी हाँ, 15 साल बाद गजनी का सीक्वल हमें देखने को मिलने वाला है। डायरेक्टर AR मुर्गदास ने फिल्म अनाउंस कर दी है। फिल्म की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पिछली बार खत्म हुई थी, यानी पर्दे पर एक बार फिर संजय और कल्पना की प्रेम कहानी हमें देखने को मिलने वाली है। गजनी फिल्म 2005 में तमिल में और 2008 में हिंदी में बनाई गई थी। दोनों ही ब्लॉकबस्टर रही थी, लेकिन इस बार गजनी 2 को पैन इंडिया लेवल पर बनाया जा रहा है, यानी फिल्म तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ भाषा में एक साथ रिलीज होगी। कहा जा रहा है कि इस बार फिल्म में आमिर खान की जगह सूर्या को कास्ट किया जाने वाला है, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ है। गजनी 2 में बिजनेसमैन संजय रामास्वामी, जिसे हिंदी में संजय सिंघानिया नाम दिया है, इनकी कहानी को आगे बढ़ाया जाने वाला है। वैसे खबरों के हिसाब से गजनी 2 में साउथ एक्टर सूर्या को कास्ट करने की बात चल रही है। कमेंट करके बताइए आप सबको गजनी 2 में परफेक्ट कास्ट आमिर खान रहेंगे या फिर सूर्या। नंबर 8 पर है सितारे जमीन पर। जी हाँ, इस फिल्म को 2007 में आई तारे जमीन पर का सीक्वल बताया जा रहा है, जो कि एक अफवाह है। फिल्म की थीम भले ही सेम है, लेकिन ये एक कॉमेडी फिल्म रहने वाली है। आमिर खान के साथ फिल्म में जेनेलिया डिसूजा नजर आने वाली है। ये एक फील गुड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो 2018 में आई स्पेनिश फिल्म कैंपियंस का हिंदी रीमेक रहने वाली है। हालांकि फिल्म में काफी बदलाव भी देखने को मिलेंगे। फिल्म में आमिर खान बास्केटबॉल टीम के कोच का रोल प्ले करने वाले हैं, जो बौद्धिक विकलांग खिलाड़ियों की एक टीम है। इस फिल्म को इसी साल क्रिसमस पर रिलीज किया जाएगा। वो जीते और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रहे। नंबर 7 पर है लाहौर 1947। जी हाँ, सनी देओल और आमिर खान की ये अपकमिंग फिल्म है जिसे राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं। बतौर एक्ट्रेस फिल्म में प्रीति जिंटा नजर आने वाली है। वहीं आमिर खान इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। AR रहमान का इस फिल्म में म्यूजिक रहेगा। फरवरी में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। बात करें लाहौर 1947 फिल्म की कहानी की, तो ये फिल्म असगर वजाहत का एक नाटक है जिसका नाम है जिस लाहौर नहीं देखा वो जमाई नहीं। ये नाटक
1980 में लिखा गया था, जो भारत पाकिस्तान बंटवारे पर आधारित है। लाहौर 1947 फिल्म में दिखाया जाएगा कि लाहौर में एक हिंदू परिवार दंगों में मारा जाता है। ये परिवार जिस हवेली में रहता है उस हवेली में सिर्फ एक बूढ़ी औरत जीवित बचती है। बंटवारे के वक्त लखनऊ से एक परिवार लाहौर चला जाता है, जिसकी तहकीकात करने आमिर खान पाकिस्तान जाने वाले हैं। उस बूढ़ी औरत का किरदार शबाना आजमी निभाएंगी। इस हवेली में रह रही बूढ़ी औरत है जो कि एक हिंदू है। लखनऊ से गया मुस्लिम परिवार इस औरत से ये हवेली छीनने की कोशिश करता है। आपसी लड़ाई में बूढ़ी औरत मारी जाती है, जिसका एक मौलवी की राय पर हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसे में इस मौलवी को भी मरवा दिया जाता है। यही इस फिल्म की कहानी रहने वाली है, जिसे इसी साल के लास्ट तक रिलीज किया जाने वाला है। नंबर 6 पर है मोगुल। जी हाँ, ये आमिर खान की आने वाली बायोग्राफिकल फिल्म है, जो टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की बायोपिक है। गुलशन कुमार ने काफ़ी संघर्षों के बाद एक खास मुकाम हासिल किया। उनकी पूरी जर्नी को इस फिल्म में दिखाया जाएगा। आमिर खान से पहले इस फिल्म को अक्षय कुमार को ऑफर किया गया था, लेकिन अक्षय कुमार ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। जोली LLB सीरीज बनाने वाले सुभाष कपूर इसके डायरेक्टर हैं, वहीं भूषण कुमार इसके प्रोड्यूसर हैं। आमिर खान को जब मोगुल फिल्म ऑफर हुई थी, तब लाल सिंह चड्ढा फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद अब मोगुल पर देरी से काम शुरू करने का प्लान बनाया गया है। नंबर 5 पर है PK 2। जी हाँ, 2014 में आई PK का ये सीक्वल रहने वाला है, जिसमें इस बार आमिर खान के अलावा रणबीर कपूर भी नज़र आने वाले हैं। राजकुमार हिरानी ने सीक्वल पर काम शुरू कर दिया है। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार होते ही शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। नंबर 4 पर है टाइम मशीन। जी हाँ, 1992 में शेखर कपूर के डायरेक्शन वाले इस फिल्म को बजट की कमी के कारण आधी शूटिंग के बीच ही रोक दिया गया था, जिसमें लीड हीरो आमिर खान थे, जिसमें रवीना टंडन लीड एक्ट्रेस थी। वहीं नसीर और रेखा माता पिता की भूमिका में थे। कुछ खबरों के हिसाब से इस फिल्म को अब नए सिरे से बनाया जाने वाला है, जो कि एक साइंस फिक्शन फैंटेसी फिल्म रहने वाली है। नंबर 3 पर है जय 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 हे का हिंदी रीमेक। जी हाँ, 2022 में आई मलयालम फिल्म जय 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 हे के राइट्स आमिर खान ने खरीद लिए हैं। फिल्म को विपिन दास ही डायरेक्ट करने वाले हैं। ये एक फैमिली ड्रामा फिल्म रहने वाली है। इस फिल्म में आज के युग में फैमिली की इम्पोर्टेंस को दिखाया जाएगा। इसके अलावा जेंडर इक्वलिटी पर भी फोकस किया जाएगा। लीड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख रहेंगी। आमिर खान इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। खुश हो ना? नंबर 2 पर है वनडे का हिंदी रीमेक। जी हाँ, 2016 में आई थाई फिल्म वनडे का हिंदी रीमेक आने वाला है, जिसे आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। आमिर खान के बेटे जुनैद खान इस फिल्म में 30 साल के एक शर्मीले पुलिस अधिकारी का रोल निभाएंगे। ये एक रोमांस ड्रामा फिल्म है, जिसे सुनील पांडे डायरेक्ट करने वाले हैं। नंबर 1 पर है प्रीतम प्यारे। जी हाँ, आमिर खान के प्रोडक्शन तले बनी इस फिल्म की शूटिंग काफ़ी पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक फिल्म की रिलीज फाइनल नहीं हुई है। आमिर खान का इस फिल्म में 5 मिनट का कैमियो रोल भी रहने वाला है। OTT प्लेटफॉर्म पर ये आने वाले वक्त में रिलीज होने वाली है। संजय मिश्रा भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो ये हैं आमिर खान की अपकमिंग 10 फिल्में, जिनमें कुछ फिल्मों को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहीं कुछ फिल्मों में बतौर एक्टर नजर आएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।